हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी ब्लॉग्स। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए ब्लॉग वीडियो, दिस इज़ ए इन्फॉर्मेशनल वीडियो रिगार्डिंग द हॉस्टल एडमिशन प्रोसीजर तो ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये जो फॉर्म है, ये हॉस्टल अलॉटमेंट कैसा होगा और फ़ी क्या रहेगा उसके बारे में है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि हॉस्टल में मतलब एडमिशन के लिए जो फ़ी कितना है और हॉस्टल में क्या क्या लेके आना है, नहीं आना है, और हॉस्टल का टाइम, ये सब बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो ये जो फॉर्म है, ये 5 फरवरी 2022 का है। तो ये देखो, ये है नोटिस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि हॉस्टल विल बी अलॉटेड इनिशियली फॉर ए पीरियड फ्रॉम 8 फरवरी टू 10 जून। मतलब 8 फरवरी से 10 जून तक, मतलब ये 4 महीने के लिए ये जो हॉस्टल का फॉर्म है ये आएगा। तो या इसको मैं ये कर देता हूँ। हाँ, तो अभी उसमें लिखा है कि रूम, मतलब ये 4 महीने के लिए रूम रेंट आपका होगा 4000 रुपीज़, मतलब ईच मंथ के लिए 1000, और जो मेस का चार्ज है 120 रुपीज़ पर डे है। तो इसमें ये भी लिखा है कि रेंट फॉर 4 मंथ्स, स्टूडेंट हैव टू पे रेंट इन 1 इंस्टॉलमेंट ओनली। मतलब आप जब आओगे तो 4 महीने के लिए, अभी ये जो निकला है ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है, मतलब 8 फरवरी से उनका स्टार्ट हो गया। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वालों का है, हम जो साइंस वालों है उनको बुलाया गया ही 2 फरवरी से, मतलब 2 फरवरी से क्लास होगा। तो हमारा हुआ कि 2 मार्च से 10 जून तक, मतलब जितना दिन हुआ उसके लिए हॉस्टल का चार्ज और मेस का चार्ज एक साथ पेमेंट करना होगा। ये जो 120 रुपीज़ पर डे है, मतलब अब जिस दिन से एडमिशन लोगे उसी दिन से लेकर 10 जून तक, उसके बीच में जितना डे होगा पर डे को 120 रुपीज़ पर डे हिसाब के आपसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है। और ये लिखा है कि आप जब हॉस्टल आओगे ना, तो उसमें आपको एक अंडरटेकिंग लिख के आना पड़ेगा, आपका गार्डियन से और आपका खुद का एक अंडरटेकिंग लिख के आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि द स्टूडेंट्स अलॉटेड हॉस्टल अकोमोडेशन विल नॉट बी अलाउड टू लीव यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यूरिंग देयर स्टे इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी, सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी ऑन द केस टू केस बेसिस। तो इसमें ये लिखा है कि जब आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको मतलब घर जाने के लिए अलाउड नहीं होगा, मतलब कैंपस आप लीव नहीं कर सकते जिस पीरियड में आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो। और इसमें थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि जो जो बच्चे 60 किलोमीटर के अंदर है यूनिवर्सिटी के, तो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल विल नॉट बी अलॉटेड टू देम। जिसका 60 किलोमीटर से ज़्यादा है उनको मिलेगा, और हॉस्टल ऐसा मिलेगा कि मतलब आपका मार्क और मतलब शायद CUCT का मार्क एंड आपका डिस्टेंस, ये दोनों को मिलाकर आपको हॉस्टल मिलेगा, सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट हैव टू पे मेस एंड हॉस्टल चार्ज इन एडवांस। मेस चार्ज मतलब जो 120 रुपीज़ पर डे वाला है, और हॉस्टल का चार्ज है अब जितना दिन तक रहोगे, ये सबका पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा। और स्टूडेंट विल हैव टू प्रोड्यूस RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन रिपोर्ट। मतलब आप जब हॉस्टल आओगे तो जब आप सबमिट करने जाओगे, या तो आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए या फिर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इन कंप्लायंस ऑफ COVID-19 प्रोटोकॉल, ग्रुपिंग इन द रूम ऑफ हॉस्टल प्रीमिसेस विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब COVID-19 जब चल रहा है तो उस हिसाब से हॉस्टल में ग्रुपिंग वगैरह कुछ अलाउड नहीं होगा, और मास्क इज कंपल्सरी। एंड उसके बाद जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि अकोमोडेशन विल बी गिवन ऑन टेम्पररी बेसिस फॉर ऑफलाइन केसेस एंड कैन नॉट बी फर्दर क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट फॉर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ये जो हॉस्टल मिल रहा है तो आपको टेम्पररी बेसिस पे मिल रहा है, कहाँ तक, 10 जून तक, और उसके बाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये गया, और जो हॉस्टल, उसके बाद हॉस्टल का टाइमिंग लिखा है, मतलब द हॉस्टल गेट का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है 5:30 AM से लेकर 8:30 PM तक। और गर्ल्स हॉस्टलर के लिए उनका एक अटेंडेंस लगता है गर्ल्स हॉस्टल में 8 PM से लेकर 9 PM वो लगेगा, ये लिखा है एवरी डे। और आपको हॉस्टल में एक रजिस्टर होगा, जब आप बाहर जाओगे या फिर जब आप हॉस्टल में एंट्री लोगे तब जब रजिस्टर है उसमें एंट्री और एग्जिट का टाइम लिखना पड़ेगा। ये एम वाला पॉइंट में जो लिखा है, द एग्जिट एंड एंट्री टाइम इन केस ऑफ लिविंग हॉस्टल फ्रॉम द हॉस्टल इज 6:30 AM इन द मॉर्निंग एंड 6 PM इन द इवनिंग। मतलब इन जो ये जो टाइम है 6:30 AM से लेकर 6 PM, इनके बीच में आप जा सकते हैं। मतलब जब 6 PM से ऊपर हो जाएगा तब आपको आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, और आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए आपको HOD या फिर TIC से अप्रूवल लाना पड़ेगा।
लिखा है, ये जो लिखा है ये पढ़ लो। और ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक केटल इज अलाउड फॉर हॉट वाटर। सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल ही अलाउड है, और जो अदर अप्लाइंसेस लाइक वाटर हीटिंग रॉड, रूम हीटर एंड कुकिंग हीटर, ये सब अलाउड नहीं है। और यदि आपका रूम में ये सब पाया जाएगा लेकिन तो आपके ऊपर हैवी फाइन लगेगा। तो यही सब है, और ये कुछ पीएचडी वालों के लिए है, ये आप देख लो। ये पीएचडी स्कॉलर के लिए है। ये देखो, ये सब मतलब गर्ल्स हॉस्टल वार्डन एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये बॉयज हॉस्टल कॉन्टैक्ट नंबर, सपोर्टिंग स्टाफ्स, ये है हॉस्टल का प्रोवोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार। ये देखो, ये जो अंडरटेकिंग आपको बोल रहा था ना, यही है वो अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग आपको मतलब गार्डियन से साइन करा के ये लेके आना है अंडरटेकिंग। और ये आगे देखो, हाँ ये देखो, ये जो है ये पेमेंट करने के लिए है, मतलब ये बैंक कॉपी एक है, एप्लीकेंट कॉपी है, डिपार्टमेंट कॉपी है, फाइनेंस कॉपी है। लेकिन जब पहले हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ था तो आप उसको मतलब बैंक में जाके चालान कर सकते हो ये जो फॉर्म प्रिंट करके, नहीं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का पीएनबी बैंक है, तो उसमें आप मतलब ये जो अकाउंट नंबर लिखा है ना, तो ये आप मतलब ये पेमेंट करने से पहले सर से एक बार पूछ लेना हॉस्टल के प्रोवाइडर से, क्योंकि ये जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड है, तो इसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। और उसका स्क्रीनशॉट लेके जब पेमेंट कर जब आप प्रोवेस्ट ऑफिस जाओगे ना, तो उसका स्क्रीनशॉट भी प्रिंट आउट करके दे सकते हो, और या तो वो कर सकते हो, नहीं तो ये जाके पीएनबी में ये सब ऑफलाइन चालान करना पड़ेगा। लेकिन हमने जब पहले हमको अलॉटमेंट हुआ था ना हॉस्टल जो, तो हमने मतलब पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लगा के हमने दिया था, पेटीएम, फ़ोनपे या फिर कुछ भी कहीं से भी कर सकते हो। और ये अंडरटेकिंग लेके आना है। और हमारा टाइम में भी एंटी रैगिंग फॉर्म था, इसमें तो अभी कुछ मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन जब भी नेक्स्ट कोई भी आएगा नोटिस तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो और लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, तो आपका जो प्रोवोस्ट है या फिर आपको जो सर ने कॉन्टैक्ट किया था, उनसे दोबारा मतलब कन्फर्म करके ये सब करना। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड ये जो वीडियो है, ये आपका जो नीडी फ्रेंड है वहाँ तक भी मतलब पहुँचा दीजिए। और सीयूएच का जो भी ऐसा न्यूज आएगा तो इस चैनल में आप पाओगे। तो थैंक यू, जय जगन्नाथ।